हेलो गाइस, मैं वसीप और आप देख रहे हैं टेक फ्लिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैलेक्सी S11 के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तो सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S10 जो है वो रिलीज नहीं किया गया और मैं आपको न्यूज दे रहा हूं गैलेक्सी S11 की। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, इसके फीचर्स क्या होंगे और सैमसंग की तरफ से अभी तक इस मोबाइल फोन के बारे में क्या अनाउंस किया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले, तो प्लीज प्रेस द बटन। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गैलेक्सी S10 के बारे में हमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिला और हम ये गैलेक्सी S10 से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गैलेक्सी S11 की बात करें गैलेक्सी S10 को छोड़ के, तो यहाँ हमें कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस मोबाइल फोन के बारे में अगर बात की जाए तो इस मोबाइल फोन में हमें मिलेगा 6.8 इंच का डिस्प्ले। दोस्तों, जो कि मैं समझता हूं कि एक टैब जैसा ना होगा, बिल्कुल एक टैबलेट की तरह, कि इतना बड़ा डिस्प्ले एक मोबाइल फोन में कैसे, मतलब हाथ में कैसे जो है वो हम होल्ड कर सकेंगे। लेकिन सैमसंग ने ये कहा है कि वो थोड़ा सा स्लिम होगा और लेंथ में ज्यादा होगा, आप मोबाइल फोन को अपने हाथ में इजीली जो है वो होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखें तो इस मोबाइल फोन में हमें मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले और ये बिल्कुल कर्व्ड होगा, मतलब कि आपको स्क्रीन कर्व पूरा मिलेगा। आपको पहले भी किसी ऐसे मोबाइल फोन में, किसी भी मोबाइल फोन में ऐसा डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि सैमसंग हमेशा से जो है वो डिस्प्ले में आगे रहा है और यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो है वो सैमसंग की तरफ से। दोस्तों, ये आपको QHD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और यहाँ आपको फुल HD की सपोर्ट मिलेगी, फुल HD इमेज रेजोल्यूशन मिलेगी और फुल HD जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगी 12 GB की रैम और अगर हम बात करें तो यहाँ शायद आपको 14 GB की रैम भी मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें इंटरनल स्टोरेज के बारे में तो यहाँ हम रोम के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको मिलेगा बेसिक वेरिएंट जो है वो 12 GB रैम और 128 GB की रोम में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। 12 GB रैम यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एप्लीकेशंस को मैनेज करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी एक आईफोन जो सैमसंग 11 है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, तो इस मोबाइल फोन में हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो मिलेगा 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के साथ और वो है एक्जीनोज 9820 जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और हाई स्पीड प्रोसेसर माना जाता है। लेकिन अभी तक ये सैमसंग की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया, ये आएगा गैलेक्सी S10 के साथ और हमें इसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी गैलेक्सी S10 में कि इसकी परफॉर्मेंस हमें क्या देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में के बारे में कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो यह हमें मिलेगी 5G की सपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 में जितने भी मोबाइल फोन लॉन्च किए जाएंगे ब्रांड्स की तरफ से, उन सब में हमें मिलेगी 5G की सपोर्ट। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कि 3G से 4G तक आया तो हमें जैसा कि Uber, करीम जैसे कि ऐसी तेज वेबसाइट्स, मतलब जिनके जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, इनके बारे में हमें जो है वो आगाही हुई, अवेयरनेस हुई। तो अब जब हमारा नेटवर्क जो है वो 5G की सपोर्ट हमें मिलेगी तो हमारा नेटवर्क कहाँ जाएगा और हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ अगर हमें 5G की सपोर्ट मिलती है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ नए फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो ये मोबाइल फोन
ऑल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब कि आपको मोबाइल फोन का पूरा डिस्प्ले जो है उस पर आप कहीं भी टच करें तो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है और ये पहला ऐसा मोबाइल फोन होगा जिसमें पूरा ऑल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो यूज किया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें, यहां आपको फिंगरप्रिंट जो हेडफोन जैक है वो देखने को नहीं मिलेगा, आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे और यहाँ आपको कैमरा जो है वो इन डिस्प्ले मिलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैमसंग हमेशा कुछ नया लेके आया है और सैमसंग ने गैलेक्सी एस 10 में ये जो है वो फीचर्स लॉन्च किया कि जो कैमरा है वो इन डिस्प्ले होगा और आगे भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम एक और स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ हमें मिलेगा डुअल डिस्प्ले, मतलब कि आपको दूसरे मोबाइल फोन में आपको देखने को मिलता होगा गैलेक्सी डिस्प्ले, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा डुअल डिस्प्ले, मतलब कि आपको पीछे से भी डिस्प्ले मिलेगा और आगे से भी। अब ये देखते हैं कि पीछे से हमें कुछ स्पेशल जो है वो चीजें देखने को मिलेंगी या पूरा डिस्प्ले जो है वो हमें बैक से भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन के बारे में बात करें तो इस मोबाइल फोन में 4 कैमरा यूज किए जाएंगे और वो अभी तक ये अनाउंस नहीं किया सैमसंग ने कि वो कैमरास किस लेंस किन लेंसेज के साथ हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में बैटरी की बात करें तो ये मोबाइल फोन हमें मिलेगा 4150 एमएएच की बैटरी के साथ, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटरी है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में बात करें तो ये मोबाइल फोन अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल मोबाइल होने वाला है, हाई स्पीड मोबाइल होने वाला है और यहाँ आपको नॉच देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस मोबाइल फोन में बात करें तो ये भी हमें मिलेगा एंड्रॉयड 9 पाई के साथ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गूगल जो है वो एक नए जो है वो वर्जन पे काम कर रहा है, वो जैसे ही लॉन्च किया जाएगा शायद हमें गैलेक्सी एस 10 और गैलेक्सी एस 11 में भी इसकी अपडेट देखने को मिल जाए। दोस्तों ये थी कुछ इस मोबाइल फोन की फीचर्स और कुछ स्पेसिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।